नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बरेली का आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद। जब स्टेडियम में काम ही नहीं हुआ तो कहां गया पैसा, इस सवाल को पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने उठाया है। उन्होंने इसको लेकर असंतोष जताया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने आज महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग करते हुए कहा कि स्टेडियम की देखभाल के लिए करोड़ों रुपए आते हैं, इस बार भी करोड़ों रुपए आए, लेकिन कोरोना की वजह से स्टेडियम में पैसे नहीं लगे, क्योंकि कोरोना काल में स्टेडियम बंद रहा। स्टेडियम के लिए शासन से जो करोड़ों रुपए आए हैं, रुपयों की जांच कराई जाए कि आखिर उन्हें कहां और किस मद में खर्च किया गया है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। यहां पर खिलाड़ियों की कुछ समस्याएं थी, जो स्पोर्ट स्टेडियम में स्विमिंग पूल है वहां पर एक वर्ष पूर्व लगभग 1 करोड़ रुपया स्विमिंग पूल में खर्च हुआ और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपया फिर खर्च होने को बजट आ गया है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि कोविड कार्यकाल में इस बीच ना तो कोई प्रतियोगिता वहाँ पर हुई, फिर 1 करोड़ रुपया मरम्मत में जो खर्च हुआ, उसके बाद फिर 2.5 करोड़ रुपया आखिर किस मद में खर्च हो रहा है। ये आम जनता व्यापारी का पैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए और सही जगह इसका उपयोग होना चाहिए। और अगर स्विमिंग पूल में 2.5 करोड़ का बजट आया है तो सक्षम अधिकारी वहाँ उनकी मौजूदगी में ये कार्य हो, जिससे ये आम जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई व्यर्थ ना जाए और सही जगह लगे। और व्यापार मंडल चाहता है कि बरेली में तैराकी खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जाएं और इस स्तर का स्विमिंग पूल यहाँ पर बने, ऐसी हमारी मांग है। धन्यवाद। टीम सर ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने देखिए आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करेंगे और अगर स्पोर्ट स्टेडियम में किसी प्रकार की धांधलेबाजी हुई है उसकी जाँच होगी। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जो बजट आया है सक्षम अधिकारी के द्वारा, उसके निर्देशन में ही कार्य होगा। आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप। गांव की प्रसूताओं को जिला अस्पताल लाने को किया जाता है मना। आशा स्वास्थ्य कर्त्री एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष राम सिंह रिंगवार के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग करते हुए कहा है, जब से नए सीएमओ बरेली में आए हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को डिलीवरी के लिए रोक लगा दी है। राम श्री गंगवार जिला अध्यक्ष और मेरी बहन उपाध्यक्ष शिवपति साहू, मेरी बहन बिमला आज जिलाधिकारी महोदय के पास आई हैं, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट कार्य में अपने गांव में जाकर सारा कार्य करते हैं, आशा बहनों को लगाया गया है। अब नए सीएमओ साहब जब से आए हैं तब से उन्होंने डिलीवरी के बारे में कह दिया कि हमारी डिलीवरी आशा बहनें नहीं लाएंगी, वो गांव में जाकर मरीज को तैयार करेंगी, एम्बुलेंस मंगाएंगी, एम्बुलेंस मंगाने के बावजूद वो बहनें संगनी बहन जी को फ़ोन करेंगे और एनएमडीसी को फ़ोन करेंगे, तब तुम्हारी डिलीवरी वो कराएंगी और तुम्हारा नाम चलेगा। ये देखते देखते हमें बहुत दिन हो गए, 30 तारीख से जब से आए तब से कई डिलीवरियाँ हमारी प्राइवेट में चली गई। ये डिलीवरी वाली बात लेकर सीएमओ साहब से हम कई बार हमने सीएमओ साहब से कहा तो सीएमओ साहब उस बात को नहीं है तैयार है। भाई आशा बहनें गांव का कार्य कर रही हैं, सारा काम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, इसमें सीएमओ साहब को दिक्कत क्या है? और बहनों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जब हमारे गांव की आशा बहन डिलीवरी लेकर नहीं जाएगी तो गाँव की डिलीवरी जा नहीं सकती है, अपनी मर्जी से वो फिर प्राइवेट पर चली जाएगी, आशा को कुछ नहीं मिलेगा, ना तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित है ना हमें सरकारी कर्मचारी तनख्वाह मिलती है, एक हम मानदेय बैच पर काम करते हैं तो इसलिए हमारे लिए मिलता है। इसलिए श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमारी बात को सुनकर सीएमओ साहब से समाधान कराएं और आशा बहनों के लिए जैसे कार्य करती चली आई शहर और गाँव की आशा वैसे ही काम करें। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया बैठक का आयोजन। गर्म वर्दी से लेकर अन्य समस्याओं पर हुई चर्चा। अपनी उन समस्याओं को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी ने आज बैठक का आयोजन किया, जिसमें सफाई कर्मचारियों पर हो रहे पीड़न को लेकर चर्चा की गई। सफाई कर्मचारियों के मुख्य मुद्दे गर्म वर्दी, जो 9 साल से सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, जबकि ऑफिस में कर्मचारियों की यह वर्दी बढ़वा दी जा रही है। वहीं ठेके पर काम करने वाले सफाई
कर्मचारियों को सरकार ने प्रत्येक दिन 312 रुपए निर्धारित किए थे, लेकिन बरेली नगर निगम में ठेकेदार 7000 रुपये महीना दे रहे हैं। ऐसे ही मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बदायूं बलात्कार के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की नृशंस हत्या कर दी गई, इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में रोष है। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एक सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष उमवंती गंगवाल के नेतृत्व में जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मांग करते हुए कहा गया है कि हत्यारोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हत्यारों को फांसी देना चाहिए जिससे आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। भैया आज के ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये जो हमारे बदायूं में जो आंगनवाड़ी की सहायिका थी उनकी जो मंदिर में हत्या कर दी गई, जगन अपराध किया गया उनके साथ और उनकी उसके बाद हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम आज मुख्यमंत्री को एक संबोधित ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को सौंपने आए हैं और हमारा उसी के उसमें विरोध में ये हम चार मांगे हैं हमारी। बदायूं की घटना की निष्पक्ष जाँच कराकर बलात्कारियों को दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। नंबर दो है पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा अथवा किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और नंबर तीन है लापरवाह पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। नंबर चौथी मांग है हमारी कि प्रदेश में जितने भी नशाखोरी शराब भांग नशीले पदार्थों का तुरंत उनको बंद किया जाए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।